नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। इंदौर व मैहर में एक युवती से दुष्कर्म के प्रकरण में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। महिला थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर निवासी युवती नाबालिग उम्र में इंदौर जाकर किसी दुकान में काम करने लगी थी। माता पिता के बीच तलाक हो जाने के कारण उसे यह निर्णय लेना पड़ा था। जबलपुर में रहते हुए एक युवक से उसके प्रेम प्रसंग हो गए। उसके इंदौर जाने के बाद भी युवक वहां चला गया और दोनों साथ रहने लगे, जहां युवक आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करता था। कुछ साल बाद पीड़िता ने शादी कर ली, पति से उसकी बेटी हुई। उसका दाम्पत्य जीवन भी ठीक चल रहा था, तभी पुराने प्रेमी ने उसकी अश्लील फोटो व वीडियो पति को दिखाकर उसका तलाक करवा दिया। पति के तलाक से बाद युवती पहले प्रेमी के साथ रहने लगी, उससे उसे एक बेटी हुई। प्रेमी के साथ इंदौर में रहकर युवती किसी दुकान में काम करती थी। इसी बीच प्रेमी ने अपने 3 दोस्तों को इंदौर बुलाया। युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसने दोस्तों से प्रेमिका का दुष्कर्म कराया। इंदौर में गैंग रेप करने के बाद वह प्रेमी युवती को मैहर ले गया और वहां भी दोस्तों से सामूहिक रूप से दुष्कर्म करवाया। सामूहिक दुष्कर्म से आहत युवती ने महिला थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। महिला थाना प्रभारी सवाना परवेज ने बताया कि घटनास्थल इंदौर होने के कारण केस डायरी इंदौर पुलिस को भेजी जा रही है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।